नगर निगम भिलाई चिरोदा परिवार द्वारा अपने 10 साथी कर्मचारियों को आधिवार्षिक आयु पूर्ण कर लेने पर शुभकामनाएं सहित कार्य से विदाई दी गई। इस अवसर पर शामिल निगम महापौर, निगम के सभापति और निगम आयुक्त ने सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों को शॉल एवं श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान करते हुए विदाई दी। इस दौरान महापौर निर्मल कोचरे, सभापति कृष्णा चंद्राकर एवं निगम आयुक्त अजय त्रिपाठी ने अपने उद्बोधन में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उनके भविष्य के जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित की। निगम आयुक्त ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से कहा कि आगामी जीवन में भी निगम परिवार सदैव आपके साथ है तथा आवश्यकता होने पर आपके सहयोग का अभिलाष है। वहीं सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों में सहायक लेखा अधिकारी राजकुमार देवांगन, कार्य सहायक ग्रेड 3 सुरेश कुमार पांडे, मैकेनिक मानसिंह पटेल, पंप कूली पवन कुमार वर्मा, पन्नालाल साहू, चौकीदार श्यामलाल वर्मा, भृत्य रामचंद्र यादव, सातोबाई हेल्पर अर्जुन निशा, सफाई कामगार श्रीमती बिटामन वर्मा, कुल 10 अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे नगर निगम भिलाई चिरोदा के कर्मचारी साथी सेवानिवृत्त हुए हैं उनको उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए, नई पारी की शुरुआत के लिए मैं उनको बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ। उनका जो सेवा का जो अनुभव था, नीचे के कर्मचारियों को, उनके साथी कर्मचारियों को उनका लाभ मिलेगा। 10 कर्मचारी आज हमारे बीच से 2 महीना पहले जो सेवानिवृत्त हुए थे और आज 30 तारीख को निगम के 5 कर्मचारी, तो इस दरमियान हमारे कुल 10 कर्मचारी आज के दिनांक तक सेवानिवृत्त हुए हैं। हमारे कर्मचारी साथियों को हमेशा इस बात का मलाल रहता था कि हम लोग जिस पद में हैं, वेतनमान तो हमको मिल जाता था लेकिन जो पद है वो पद में हमको पदोन्नति नहीं मिल पाता था। जो सहायक राजस्व निरीक्षक के पद में जो हैं वो सहायक राजस्व निरीक्षक से ही सेवानिवृत्त हो जाते थे, लेकिन आज मैंने उनके सेवानिवृत्ति के दिन एक बड़ा फैसला मेयर इन काउंसलिंग के माध्यम से हम लोगों ने किया है। जो भी सहायक राजस्व निरीक्षक है उनके लिए हम लोगों ने पद आगे क्रिएट किया है ताकि उसको प्रमोशन में उनका लाभ मिल सके, और सहायक राजस्व निरीक्षक से उप राजस्व निरीक्षक के लिए हम लोगों ने राज्य शासन ने उनको भेजा है। बहुत जल्द हमको उनकी स्वीकृति मिलेगी। उसके बाद जो भी वरीयता क्रम में है, जो सेवा नियम है और सीनियरिटी के आधार पर उनका प्रमोशन होगा, तो एक बड़ी उपलब्धि इतने साल के कार्यकाल में, चूंकि ARI के बाद सीधा सीधा RI का पद यहाँ पर क्रिएट था लेकिन बीच का जो पद जो छूट जा रहा था राजस्व उप निरीक्षक का वो नहीं था, तो हमने एक बड़ा फैसला आज लिया है ताकि हमारे कर्मचारी साथियों को जो ARI है उनको लाभ मिल सके। हमारे भिलाई चिरोदा नगर निगम में 10 कर्मचारी रिटायर हुए लेकिन अलग अलग महीना में हुआ था, इसको हम लोग एक साथ विदाई देंगे करके रखे थे और सभी लोग आया। इसमें राजकुमार देवांगन जी है, मान सिंह जी है, इन लोगों का कार्यकाल इतना ज़्यादा अच्छा रहा कि हम लोग उसके जगह कोई दूसरा भी लाएंगे वो हम लोग के लिए बहुत कम होगा। तो ऐसे कई कर्मचारी जो हमारे निगम में जिसको हम लोग आज विदाई दिए हैं, तो हमारा एक हाथ उसमें कटा इस निगम का, क्योंकि शुरू से लोग यहाँ बहुत जिम्मेदार व्यक्ति थे, निगम के अच्छाई या इसके आवक के बारे में बहुत सोचते थे और बहुत सेंसिटिव लोग थे, जो निगम में परिवार में एक परिवार की तरह थे और चाहते हैं ऐसे परिवार में ऐसे लोग और आए, ये मैं आशा करता हूँ। निगम के जितने भी कर्मचारी हैं वो लगातार अच्छा कार्य करते हैं, दुरुस्त कार्य करते हैं और उनके साथ निगम का लगाव एक जुड़ा रहता है, वो एक परिवार के सदस्य होते हैं। उन सदस्यों को मैंने कहा कि आप अभी भी सदस्य ही हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और एक अच्छी जीवन के लिए शुभकामनाएं नगर निगम की तरफ से दी गई, और साथ ही उनके जो कार्य प्रणाली है, जो उनकी अच्छाइयां हैं उनसे बाकी कर्मचारी भी सीखें, इस तरह का अपील हमने किया। बहरहाल इस अवसर पर निगम के अधिकारी कर्मचारियों सहित विदाई होने वाले कर्मचारियों के परिवार के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।